मार्केट आएंगे और पान नहीं खाएंगे तो फिर मजा नहीं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अपने कैंप से चलता हूँ थोड़ा मार्केट, जो फिदिम इलाका बोलते हैं, और आज का ये ब्लॉग फिदिम जाएंगे, और फिदिम जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे और कुछ मार्केटिंग है, गाड़ी खड़ा है, चलते हैं हम लोग फिदिम। साथियों को साथ में गाड़ी में बैठे और एक कैंप से हम लोग कैंप का मेन डोर से निकलते हैं, और कैंप का मेन डोर से निकलने के बाद रास्ते में ही रोड को जाम किया हुआ है घास काटने वाला, जो कि हमारे कैंप का गाय और भैंस के लिए, बकरी उकरी के लिए, भैंस के लिए घास काटता है। तो घास क्लियर हुआ और मैं रोड से निकला। निकलने के बाद में हम लोग दो रास्ता है, जो कि एक भालू चौक है, तो हम लोग भालू चौक से नहीं जा रहे, ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट के तरफ से मैं जाएगा। हमारा प्लांट के बाद एक और प्लांट है इस कंपनी का, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर में है, और उस प्लांट में जाने के बाद वहाँ का इंचार्ज को, यानी कि MD का ब्रादर है, उसको उठाएंगे, यानी कि पिक करेंगे, और उसके साथ में हम लोग फिदिम का टूर पे जा रहे हैं, कुछ मार्केटिंग कल शायद विश्वकर्मा पूजा ये लोग के लिए। तो रास्ते में मैं ये नज़ारा दिखाते चलता हूँ आप लोग को, और ये है 4-way जो हमारा पावर हाउस के लिए है, वहाँ से यहाँ 1.2 किलोमीटर, और फिर 4-way से उधर तक का लगभग 1 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। ये 4-way दोस्तों, जो कि हमारा प्लांट वो के लेवल से चलता है। और अभी हम ये जो देख रहे हैं ये इनटेक है, और ये दूसरा प्लांट काबिली का, तो यहीं का जो MD का ब्रदर है उनको पिक करेंगे यहाँ से, और ये काबिली B1 है और वो काबिली कैस्केड है, तो ये दो प्लांट एक ही कंपनी का है। और हम अभी इसके कैंप में आए हूँ, और आने के बाद में ये सर बैठे हैं, चलते हैं सर से, और नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। बैठने के बाद में काफ़ी 1 घंटा गुजर चुका है, खाना वाना खाने के बाद फिर से यहाँ से हम लोग रवाना होंगे, और ये कैंप का टॉप का नज़ारा देखो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके नीचे वो प्लांट है। और अभी हम लोग तैयार फिदिम जाने के लिए, तो आगे में हमारा सीनियर यानी कि MD का ब्रदर बैठा हुआ, ये वो प्लांट है, प्लांट से होते हुए इसी प्लांट का ये सब टैंक है जो देख रहे हैं आप। और उसके बाद में हम लोग कच्चा रास्ता से लगभग 1 घंटा 35 मिनट लग जाएगा वहाँ पक्का सड़क मिलने तक का। तो ये बीच का नज़ारा दोस्तों, जैसा कि लग रहा है हम लोग को रोड इतना ख़राब है और बारिश हुई है, तो खाया पिया बराबर, और ये जो देख रहे हैं अभी बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो बीच में कुछ बंदा मिलते हुए, क्योंकि गांव के लोगों से नमस्कार और आदाब करते हुए आगे बढ़ते हमारा टीम। इधर सर। हाँ सर, आप ये फोटो वीडियो लेके क्या कर रहे हैं? पूरा यहाँ रुके थे, इसके बाद ये हमारा पक्का सड़क मिल चुका है, 1 पॉइंट लगभग 1 घंटा 40 मिनट के सफ़र के बाद में हमको पक्का सड़क मिला है, और यहाँ से अभी हमको 2.5 आवर्स लगेगा फिदिम जाने के लिए। ये गणेश चौक बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब नेपाल का वो हिस्सा जो पक्का रास्ता यानी इसे पक्का सड़क जो हाईवे यहाँ का बोल सकते हैं हम, मध्य रोड, तो यहाँ से लगभग 2.5 आवर्स, और हमारा गाड़ी तूफान से बातें करते हुए कच्चे रास्ते में, तो 20 का स्पीड चल रहा था बैलगाड़ी के माफिक,
ये जो देख रहे हैं वहाँ पे हमको जाना, ये फिदिम सिटी है जो आपको नज़र आया, और ये फिदिम सिटी के बाद हम लोग अभी पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरते हुए अभी बॉटम में पहुँचे हैं, यानी नीचे का हिस्सा में, और एक ब्रिज पार करेंगे, फिर जब यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों तब फिदिम मिलेगा। यानी कि यहाँ से लगभग 35 से 40 मिनट लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग टॉप से डाउन हुए और फिर डाउन से टॉप में जाएंगे। तो वो जो आप लोग देख रहे थे वहाँ से, तो अभी फिदिम हम लोग पहुँच चुका हूँ, यानी कि फिदिम का एंट्री हो चुका है। तो अब फिदिम जा के मार्केट जाएंगे, और मार्केट जाने के लिए मार्केट भी पहुँच चुके हैं, और गाड़ी को पार्क किया जाएगा। पार्क करने के बाद हम लोग निकलेंगे और मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग चलोगा इसको बंद कर दो ना। चाय पिया जाएगा, इसके बाद बुंदिया उंदिया वो भी विश्वकर्मा का सामान होगा दिया जाएगा। हम लोग इंजॉय करने आए हैं फिदिम, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। मिठाई के ऑर्डर देने के बाद में हम लोग यहाँ से निकले हैं, और यहाँ बहुत सारा मिठाई नहीं मिलता दोस्तों, जैसे इंडिया में मिलता है। यहाँ से जलेबी, लड्डू और रसगुल्ला है सिंपल सा। तो निकलने के बाद थोड़ा किराना मार्केट यानी कि राशन के दुकान में कुछ सामान लेंगे, इसके बाद हम लोग पूजा का सामान लेने के लिए चलेंगे दोस्तों। और पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट घूमते हुए, मार्केट बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका का जो मार्केट होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है घूमने में। और ये टॉप में है जो कि बहुत सारा मार्केट का आइटम है, जो कि फिदिम जो इलाका है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, और ये फिदिम का मेन सिटी है, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का मेन सिटी यही है जहाँ के सब कुछ मिल सकता है। बाकी इलाके में लगता है हम लोग दुनिया से दूर है, लेकिन जब कोई पहाड़ी इलाका का जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिटी में जब आते हैं आप। नीरज भाई सब पूजा का सामान का व्यवस्था कर रहा है, दुकान से खुद निकाल रहा है, जो कि हमारा साथी है। तो अभी पूजा का सामान ले चुका है और इधर से चलते हैं हम लोग। अब हमारा टीम चल रहा है फल के दुकानों पे। हेलो एप्पल कैसे रेट है अभी? 335 350 की 335 होलसेल दुकान है। इसके बाद भी बहुत ही महंगा फल सब्जी, और यह क्योंकि पहाड़ी इलाका में इतना रहता है दोस्तों, खास करके ग्रीन सब्जी राइस मिर्ची। पूरे सिटी में आएंगे और पान नहीं खाएंगे तो फिर पान खाने के लिए नेपाल में पान तो मिलता नहीं है। बैठिए इधर लगाइए भाई मीठा पान। ठीक है ना जी? ठीक है ठीक है। चलिए मार्केट आएंगे और पान नहीं खाएंगे तो फिर मजा नहीं। पान के दुकान से अब चलते हैं हम लोग मिठाई लेने के लिए। मिठाई पैक हो चुकी है, चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, और हमारा गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। आज का जो फिदिम यात्रा है, फिदिम टूर है, वो कंप्लीट हो गया है, ट्रेवल्स टूर।
तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करो। ये फिलिंग का मेरा यात्रा पूरा होता है। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ और एक ही बार में जाएंगे। जाने के बाद वहाँ से 2 घंटा आलू चौक या गणेश चौक, और वहाँ से फिर 2 से 2.5 घंटा कच्चा रास्ता रहता है। तो बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। लगाना सर मतलब नहीं बंद सुनो ना।